चलिए सीधा कोलकाता आपको लेकर चलते हैं, जहां पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल से हमारी सहयोगी डिंपल खास बातचीत कर रही है। गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने जो जितने भी अभी अमेंडमेंट्स किए हैं, सारी नई नई पॉलिसीज बनाई हैं, और पॉलिसीज के बाद में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो कंसेप्ट आया है, तो उसके वजह से जो है लोगों में काफ़ी उत्साह है। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं, ताकि यहाँ के लोगों को इनवाइट करें कि वो कोटा जब सॉरी राजस्थान में जो है वो इन्वेस्टमेंट करें। चूंकि सर धीरज सर ने भी कहा था कि राजस्थान, कोलकाता को मिनी राजस्थान कहा जाता है, तो एक तरह से राजस्थान में बेहतर माहौल है निवेश को लेकर, इसके लिए क्या प्रयास रहेंगे सर? बात सही है, जितने भी आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं यहाँ पर, उनमें से मेजोरिटी में इंडस्ट्रीज जो है राजस्थान से आए हुए हैं, जिन लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं, तो उन लोगों को भी जो है वो भी लोग सोचते हैं इस बात के लिए कि हमें भी राजस्थान चलना चाहिए। तो ये क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल बदल चुका है, अब इंडस्ट्रियल फेवर फ्री, वो इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट जो है वो कम्प्लीटली फ्रेंडली हो गया है। वो गए ज़माने की बातें हो गई, वहाँ पर फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार है, क्या समझे, माइनिंग काफ़ी 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 कुछ नई माइंस भी निकली हैं, तो माइनिंग बेस्ड इंडस्ट्री भी लग सकती है, रियल इस्टेट में बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को बताने के लिए हम आए हैं सर, क्योंकि देश में भी कई जगह पर, अगर मुंबई, कोलकाता, और अब कोलकाता की बात करें, बेंगलुरु की बात करें, कई जगह देश में भी जो जाकर जुड़ रहे हैं, आप संपर्क कर रहे हैं, और देश के अलावा भी बात करें, दुबई की बात करें, तो वहाँ से भी कैसा रिस्पांस मिल रहा है? अगर विदेशी निवेश रिस्पांस मिला है दुबई में, तो बहुत बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला है। वहाँ तो वहाँ का जो आबू धाबी के शेख थे, उनकी तरफ उनका खुद का जो है 20,000 करोड़ रुपये का जो है इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने जो MOU साइन किया है, तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट। हाँ, तो वहाँ तो बुल्ला ये 28 तो करीब MOUs हो गए और 7 करीब LOI हो गए। तो उम्मीद है कि वहाँ के लोग काफ़ी आएंगे, आ भी रहे हैं, बातचीत चल रही है उनकी सारी। जब सर एक आखिरी सवाल, सबसे ज़्यादा उम्मीद कौन से क्षेत्रों से मान रहे हैं आप इन्वेस्टमेंट? देखिए, तीन ही क्षेत्र है, एक तो पेट्रोकेमिकल्स हैं, एक एनर्जी है, और एक रियल इस्टेट है, मोटे तौर पर इन्हीं पे है। फिर उसके अलावा छोटे छोटे जो दूसरे सेक्टर में भी आते हैं, माइनिंग बेस्ड इंडस्ट्री में भी आते हैं। तो ये थे हमारे साथ मंत्री शांति धारीवाल जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि जो राजस्थान समिट होने वाला है, उसको लेकर जोर शोर से जो राज्य सरकार की तैयारियां वो पूरी चल रही हैं, संपर्क किया जा रहा है, सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशी निवेशकों से भी काफ़ी संपर्क हुआ है, और ऐसे में संभावनाएं जताई जा रही है कि राजस्थान समिट में बड़ी तादाद में जो संख्या है लोगों की, वो जुड़ने वाली है। मैं कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ फर्स्ट इंडिया न्यूज़ कोलकाता।